नमस्कार, आप देख रहे हैं उधमपुर अपडेट और मैं हूं रशपाल सिंह। जिस तरह से बीते कल यानी कि संडे को लेकर काफ़ी सारे लोगों को डाउट थे कि संडे को मार्केट बंद रहेगी कि जहां खुली रहेगी, उसी को लेकर जो है हम आपके साथ लाइव हाजिर हुए हैं। और मेरे साथ व्यापार मंडल के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं राहुल जी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय। और अभी अभी इनकी जो है मीटिंग डीसी उधमपुर द्वारा के कार्यालय में जो है उनके साथ मीटिंग हुई है, और क्या कुछ फैसला लिए गए हैं इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, जिस तरह से बीते कल की बात करें यानी कि संडे की बात करें, तो काफ़ी सारे लोगों को जो है डाउट थे कि मंडे जो संडे है कल जो है मार्केट बंद रहेगी खुली रहेगी, क्या कुछ अभी आपकी जो है मीटिंग हुई है, क्या उसमें फैसला लिया गया है? देखिए जी, जो आज रात को 9 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा, सभी दुकानें बंद रहेंगी, खाली जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं खाली वही खुलेंगी, और जितने भी हमारे जो अपना खाली एसेंशियल कमोडिटी जैसे हो गया मेडिसन हो गई, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क्स हो गए, ये दुकानें खुली रहेंगी। बाकी जो सारी दुकानें हैं कल से वो बंद रहेंगी मंडे सुबह 6 बजे तक। अभी मंडे का हमें अपडेट नहीं मिल पाया है कि मंडे को क्या होगा, जैसे ही वो मिलेगा वो भी हम मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों को बता देंगे। राहुल जी, बात करें कहीं ना कहीं जिस तरह से एडजॉइनिंग एरिया में जितनी भी मार्केट हैं, दुकानें हैं, चाहे गढ़ी रैम्बल की बात करें या अलग अलग जगह में जितनी भी दुकानें हैं, उनको उनके उनके क्या है, वो भी दुकानें बंद रहेंगी जहाँ सिर्फ जितनी जो मार्केट में उधमपुर शहर में जो दुकानें हैं वही बंद रहेंगी? देखिए, जो सिटी में है दुकानें वो सारी बंद रहेंगी, साथ ही साथ एडजॉइनिंग एरिया जैसे गढ़ी हो गया, रैम्बल हो गया, स्टैनी हो गया, रोंदमेल हो गया, ये सारी मार्केट्स भी बंद रहेंगी। जितनी भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी मार्केट्स आती हैं वो सारी बंद रहेंगी। कल जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, और मंडे को जो अपडेट होगा वो भी हम आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बता देंगे। मेरी भी लोगों से यही अपील है कि कल जो है अपने घरों में ही रहें, फालतू में बाहर ना निकलें, कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, ताकि जो हमारे शहर है वो कोरोना से सेफ हो सके। कृपया करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और जितना हो सके घरों से कम निकलें। कल का दिन जो मार्केट बंद है, तो आप सब अपने घर में रहिए, मंडे का अपडेट हम आपको दे देंगे। और जब मार्केट खुल भी जाती है तो कृपया करके खाली जिनको काम है घर से वही निकलें, घूमने फिरने के लिए इस वक्त टाइम जो है वो नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि राहुल जी थे हमारे साथ और इन्होंने जो है पूरी जानकारी दी कि जिस तरह से बीते कल को लेकर जो है अभी अभी जो है मीटिंग की गई, और जिस तरह से हम आपको बता दें कि बीते कल जो है पूरी तरह से जो है उधमपुर शहर बंद रहेगा। वहीं अगर हम दूध दही जहाँ मेडिकल दुकानों की बात करें तो यही फ़िलहाल दुकानें खुली रहेंगी, सब्जियों की दुकानें होगी, जिस तरह से एसेंशियल कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं वो दुकानें खुली रहेंगी, बाकी फ़िलहाल जो है मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगी। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से ये आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया करके घर से कम से कम अपने घरों से निकले, ताकि जिस तरह से COVID-19 दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं लकाम हम जो है लकाम पा सकें। देखते रहें उधमपुर अपडेट। नमस्कार।